तोप का एक गोला जो आता है 45 लाख का, जहाजिया जो उड़ाने वाला होता है ना, वो सबको एक घंटा के उड़ाने का खर्चा आता है 25 लाख। तो हम लोगों ने एक बड़का मिसाइल बनाया, मोटका धो दौड़, और जाता है एक जगह खुल जाता है छतरी जैसा, रडार उडार सब पगला जाता है। अब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से पाकिस्तान में छोड़ा गया, 25 करोड़ का था, कितने का था? 25 करोड़ का। तो युद्ध में हथियार नहीं, पैसा चलता है, समझ में आ गया कि नहीं? 25 करोड़ का तोप का एक गोला जो आता है 45 लाख का, तोप गोला एक मारा रहता है नहीं, एक मिनट में 3 गोला मार देता है, एक मिनट में बफोस तो 3 गोला, एक गोला 45 लाख का, 45 लाख, एक मिनट में 1.5 करोड़ सहा, और रात भर में हजारों गोला मार दिया जाता है। तो कोई भी देश युद्ध से क्यों बचना चाहता है? अभी बताइए, अगर आपको खेती का, अगर आपको बिजनेस का कहा जाएगा, तो आप खेती का बिजनेस करिएगा, पान गुट का, या फिर हथियार बेचिएगा? अरे भाई, 45 लाख का एक तोप का गोला बेचना है, ससुरा कौन जाएगा मरने ये आलू प्याज बेचने? समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या बेचना है? तोप का गोला 45 लाख। अब 10% भी प्रॉफिट रखते हैं तो 4.5 लाख एगो में, यहाँ 4 बीघा आप गेहूं बोइएगा तो 4.5 लाख रुपया ना निकलने वाला है, निकलेगा? और धूप में मरना है अलग, यहाँ पे बस हथियार का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, इसीलिए अमेरिका क्या बेचता है? हथियार। और जिसके टॉर्च बेचना हो वो अंधेरे का डर जरूर दिखाता है, इसलिए कभी भी हथियार बेचने वाले देश युद्ध में शांति होने नहीं, विश्व शांति ये करने ही नहीं देंगे, वरना खरीदेगा कौन? इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है कि नहीं है? अब पाकिस्तान और भारत में शांति हो जाती है, हथियारवा खरीदेगा कौन? एक तोप का गोला 45 लाख, अब ब्रह्मोस मारे हैं लोग 25 करोड़, एक तो ब्रह्मोस 25 करोड़, 25 करोड़ सोच सकते हैं कितना बड़ा पैसा है वहां पे? पाकिस्तान तो कबाड़ में बेच के अमीर हो गया होगा, अरे बाप रे बाप, कबाड़ी मिल लो 25 करोड़ के। तो इसी को देखते हुए दमा हो गया हमको, आगे बढ़ते हैं हम। तो इस इतनी महंगी युद्ध नीति को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि युद्ध को सस्ता किया जाए, और युद्ध को सस्ता करना बहुत जरूरी है। 25 करोड़ का हथियार मारिएगा, 45 लाख का गोला मारिएगा जी आप लोग, यहाँ पे युद्ध में धड़ाधड़ गोली चलती है, एक तोप एक मिनट में 3 गोली चलाता है, 10-10 तोप रख के मारा जाता है, एक मिनट में ससुरा 30 टैंक का गोला हो जाता है, 4.5 करोड़ तो धड़े धड़े हो जाता है एक मिनट में, बहुत है भी, जबकि टैंक तोप तो बहुत नॉर्मल हथियार है आज के समय में, बहुत महंगा आता है। यहाँ पे जहाजिया जो उड़ाने वाला होता है ना, वो सबको एक घंटा के उड़ाने का खर्चा आता है 25 लाख, C-17 ग्लोब मास्टर, इसको एक घंटा उड़ाने का लगभग 30 लाख रुपया खर्चा है। जो ऑपरेशन दोस्त के लिए जो हम लोग भेजे थे ना जहाजिया, वो एक घंटा उड़ता है तो कितना फूंक देता है? 25 से 30 लाख फूंक देता है, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है उतना, उतना का तेल फूंक देगा, पार्किंग कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, दुनिया भर का लग जाता है। तो युद्ध में बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए ले आया गया ड्रोन टेक्नोलॉजी, बैटरी लगाओ चार्ज करो उड़ा दो, उड़ा दिया बैटरी यहाँ पे। तो इसमें क्या है ना कि अब ड्रोन गया तो गया, कोई मतलब नहीं है, ड्रोन सस्ता मिल जाता है किसी को, 10-20 लाख का ड्रोन मिल जाएगा, और उसे देखेंगे तो 200 करोड़ का एगो आएगा जहाज, अब 200 करोड़ का एगो जहाज, अब 20-30 लाख का एगो ड्रोन, तो सस्ता कौन है? अब ड्रोन में करना कौन चाहिए, बम बांध दीजिए, आगे कैमरा लिए है ले जाके किसी में ड्रोनवा लड़ा दीजिए, और उसमें बम हइए है, यही तो काम कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन क्या कर रहा है? ड्रोन में क्या बांध दिया है? बम, और ले जाके ड्रोनवा लड़ा दे रहा है कहीं कहीं। तो अब भारत सरकार ने देखा कि भैया ये तो ड्रोन है ठीक है, तो हम लोगों ने एक बड़का मिसाइल बनाया, मोटका धो दौड़, खूब बड़का, और उसमें छोट 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 खूब ज्यादा ड्रोन भर दिए, और जाता है एक जगह खुल जाता है छतरी जैसा, उसमें से सारा ड्रोन एक के साथ निकल जाते हैं, मधुमक्खी की छत्ता की तरह 500 ड्रोन दौड़ा देते हैं, किसी को आदमी दिमागे काम नहीं करता है, रडार उडार सब पगला जाता है, तो उसी को कहते हैं स्वान ड्रोन, एक के साथ 50-60 को लेकर उड़ जाएगा, हवाई जहाज में भर लीजिए, ट्रांसपोर्ट जहाज पीछे से खुलता है, सवारी वाला ना साइड से खुलता है, वो पूरा भर दीजिए, 200 ड्रोन लोड कर दीजिए, उड़ा दीजिए वहां आसमान में, और पीछे से खोल के सब आता है, निकल उड़ जाओ, ढकेल के सबको नीचे क्या कर दे, गिरा दीजिए भाग यहाँ से, और उड़ के जहां तहां जाएगा उसमें सबका टारगेट फिक्स है, और ले आके दुश्मन के टैंक पर धड़धड़ा के गिरा देगा स्वान ड्रोन। तो किसने चालू कर दिया स्वान ड्रोन? किसने? आप ये सब मत पढ़ाया कीजिए, पाकिस्तान के लोगों की आंखें खुल जाती हैं। हम लोग बिहारी लोग मारने से पहले बोल के मारते हैं लोग, समझ में गया? आई एम कमिंग,
नहीं समझे? अरे यहां से सिकंदर हार के गया था, समझ गया? तो सिकंदर का सेनापति आया, तू अपनी बेटी दे के चल गया। सेल्युकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया का ब्याह यही पटना के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, और दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान लिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजय वाले हम लोग को बताता है, यहाँ पे आंख खुल जाएगा, आंख खुलने से कौन चीज हो सकता है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं।